हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल देसी मिट्टी पर। दोस्तों आज हम इस अनोखे प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस प्लांट का नाम है दोस्तों पेंडेंट लीव्स प्लांट। इसे एरोमेटिक बासमती प्लांट के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आज हम इसकी खूबियों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो प्लांट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसे पेंडेंट लीव्स के नाम से जाना जाता है। इसमें से आने वाली बासमती की खुशबू की वजह से इसके लोकल नेम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जगहों पे इसे बासमती प्लांट कहा जाता है, कुछ जगहों पे बासमती लीव्स कहा जाता है। दोस्तों आप इस प्लांट को अपने घर में किसी एक 8 से 10 इंच के गमले में आसानी से लगा सकते हैं। यह प्लांट आपको किसी भी पास की नर्सरी से मिल जाएगा। इस प्लांट को कुछ खास देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आप महीने में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे दें, किसी विल्ड्रेन सॉइल मीडिया में लगाएं और इसे खुले में 6 घंटे जहां पे धूप मिलती हो किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए। दोस्तों यह प्लांट जो है हमारे देश की क्लाइमेट में आसानी से सर्वाइव कर लेता है। यह प्लांट मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ आता है और इसे हम आसानी से अपने किचन में इस्तेमाल में ला सकते हैं। यह प्लांट आप जहां भी रखोगे वहां पर आपको धीमी धीमी वनस्पति की तरह सुगंध आने लगेगी। तो आप इसे अपने घर में ऐसे किसी भी जगह पर एज अ एयर फ्रेशनर भी लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा यह प्लांट काफ़ी बड़ा और घना हो चुका है। जब आप इस प्लांट को अपने घर में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इस प्लांट से आपको छोटे छोटे पफ्स निकलते हुए नज़र आएंगे। मैंने ऐसे ही 2 छोटे छोटे पफ्स लाया था दोस्तों, और ये वही 2 पफ्स हैं जो प्लांट के बाजू से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के पफ्स निकलते हैं जिन्हें हम एक ही प्लांट से और भी बहुत सारे प्लांट में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हमें इन छोटे छोटे पफ्स को निकाल के दूसरी जगह लगाना होगा, तो हम आसानी से कुछ और नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं घर पर ही। दोस्तों आप इस प्लांट को एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का सिर दर्द या थोड़ा बुखार भी हो तो आप इसकी पत्तियों की एक कटिंग लेकर इसे एक अच्छी तरह से काढ़ा बना लें और उस काढ़े का सेवन कर लें तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों यह पौधा बहुत ही गुणकारी है, इसे आप अपने घर में ज़रूर से लगाए ही, और एक एयर फ्रेशनर की तरह भी आप लगा सकते हैं। आपको तो मैंने बता ही दिया है दोस्तों, और जब भी आप कभी बासमती की सेंट आपके एक नॉर्मल चावल से भी आपको बासमती की सेंट अगर चाहिए होगी तो इसकी एक इंच की या 2 इंच की पत्ती काटकर आराम से आप उस पकते हुए चावल में डाल दीजिए, आपको बासमती की सेंट आसानी से मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों मैंने ये पफ्स वहाँ से निकाल लिए हैं, अब इसे हम एक किसी गमले में लगा देंगे और बस ये हमारे नए पौधे उसी से निकल आए हैं। इसी तरह आप अपने भी घर में 1 से 2 और 2 से 10 कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, अपने घर में लगाएं। तो चलिए दोस्तों अब हम इन पौधों को किसी गमले में लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मुझे ये 5 छोटे छोटे पौधे मिले हैं, तो इन्हें हम अब इस गमले में लगा देंगे। इसमें मैं 2 ही पौधे लगाने वाला हूँ दोस्तों। इस तरह से इस गमले के नीचे मैंने छेद कर दिए हैं। विल्ड्रेन सॉइल हमें इसमें डालनी होगी। तो देखिए दोस्तों मैंने ये 2 पौधे अपने इस गमले में लगा लिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। जब ये ग्रोथ कर जाएंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये प्लांट और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।